हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग प्लेटफॉर्म के टेट 32 का डिस्कशन करेंगे। इसमें जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेट 32 बिहार SSC इंटर लेवल के लिए क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट वन हम लोग अगले टेट सीरीज वन जो है ये अगले वीडियो में डाले थे। जो स्टूडेंट नहीं देखा है जाके इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ये ताजे पानी की क्या है, सबसे बड़ी झील है। भारत के अगर सबसे अगर पूछा जाए, अगर भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील है। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत के सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? तो जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है? चिल्का झील है। और जो ये कहाँ स्थित है चिल्का झील, राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत से संबंधित है? तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दो का बी, MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी के बाद संगीत के सुविख्यात थे और भारत सरकार द्वारा इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1998 में इसे क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। और इस सुबह और श्री सुब्रमण्यम को एक साथ दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने कम से कम दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कौन जो है इनमें से दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किए थे, मैडम क्यूरी ने को दो बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 1903 में इनको जो मिला था 1903 में इनको मिला था वो किस लिए मिला था, ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और जो इनको दोबारा मिला था किसके लिए मिला था, 1911 में इनको मिला था। 1911 में किसके लिए मिला था, ये रेडियो सक्रिय मीन्स ये रसायन के क्षेत्र में मिला था। रेडियम और पोलोनियम की खोज किए थे 1911 में, इसके लिए मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर चार, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था, सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। और जो सरोजिनी नायडू जो है ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो सरोजिनी नायडू है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर पांच जो है इसी में देख लेते हैं, भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय किसके द्वारा किया गया था, यूनानियों के दिया द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। छह नंबर क्वेश्चन है, 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो किसे पर दामोदर मावजे को प्राप्त किया गया, ऑप्शन नंबर डी। सात नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय कौन से देश के पर से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर एक। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है।
अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और संविधान के जो भारतीय संविधान के संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है, तो भारत में जो उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म क्या है, अरेबिका है। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे अधिक भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है। और विश्व में अगर पूछा जाए सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ, तो कौन सा था, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय बनाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, 1961 से 1967 था। और इसी के बीच में क्या बनाया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हरित क्रांति का क्या हुआ? जन्म हुआ। हरित क्रांति अगर पूछा हरित क्रांति का जन्म कब हुआ, तो हरित क्रांति 1900, भारत में जो हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है कब से कब माना जाता है, तो ये माना जाता है भारत में 1966 से 1967 से 1967। 10 नंबर क्वेश्चन है, अवमूलन अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, अवमूल्यन जो होता है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, तो अवमूल्यन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, इसमें क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। और भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितने बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, कौन कौन सा, 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है, 66 में हुआ है, और 1991 में हुआ है। भारत में 1991 में 2 बार हुआ था जिसको हम लोग एक ही बार गिनते हैं, तो भारत में अवमूल्यन जो हुआ था वो कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक जो बेरोजगारी है इसका कारण क्या है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो सबसे अधिक जो संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि इसकी जनसंख्या में क्या है, दूसरा बड़ा, सबसे दूसरे स्थान पर आता है चीन के बाद, चीन पहला पे है और भारत क्या है, दूसरा पे है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, तो भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया, राज्यों को, राज्यों का संघ कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, तो अगर कितने दिन के अंदर अगर लोकसभा से अगर धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है, तो उसे कितना दिन के अंदर अगर वापस नहीं भेजता है तो पारित मान लिया जाता है, 14 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। और धन विधेयक सबसे पहले लाया कहाँ जाता है, तो धन विधेयक प्रथम कहाँ लाया जाता है, ये प्रथम बार लोकसभा में ही लाया जाता है, अगर यहाँ से ये पास हुआ तो इसको ये पास माना जाता है, क्योंकि ये 14 दिन के अंदर ही अपने आप अगर जाएगा वहाँ से, अगर राज्यसभा में नहीं भी आएगा तो भी 14 दिन के बाद ये पास माना जाता है। और धन विधेयक है ये राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति इसमें रहता है तभी आता है। क्वेश्चन नंबर 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है,
जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, उसी तरह से जो महान सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय भारत के क्या थे, देश के आज़ादी के समय ये पहले क्या थे, ये देश के आज़ादी के समय ये पहले गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जो इनको देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इन्हें क्या कहते भारत में के बिस्मार्क की उपाधि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आई किस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर कल्याण कुमार डी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है, तो किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का जो अनुपात है ये किसका माप है, ये उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, ऑप्शन नंबर बी। 17, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। अगर मौलिक अधिकारों के हनन होने पे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है, रिट जारी किया जाता है। कितने प्रकार का रिट जारी किया जाता है, 4 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है, तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो तकला मकान मरुस्थल है ये चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चीन के किस प्रांत में स्थित है, तो चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित है, सिक्यांग प्रांत में स्थित है। और गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है, मंगोलिया में, क्या है, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, गोबी में, और गोबी मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा है। क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, जो मानचित्र बनाने के जो विज्ञान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्डियोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा स्थिति के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 22 है, मुद्रा स्थिति के अंतर्गत क्या होता है, तो मुद्रा स्थिति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता है, ऑप्शन नंबर ए। आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है, तो आईएमएफ की जो पूंजी है इसके सदस्य राष्ट्रों के द्वारा जो पूंजी लगती है उसी के द्वारा बनता है, किसके, कितने नंबर का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था, 1944 में हुआ था, और ये कब से प्रभावी है, तो ये 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुआ, और 1944 में इसका बोस्टन समूह के समारोह में इसका स्थापना हुआ था। इसमें टोटल कितने देश हैं अभी आईएमएफ में, आईएमएफ में 190 देश हैं। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि जो कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है,
ये हैदराबाद में स्थित है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1976 में हुआ था। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था भी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में किस प्रकार का, तो तापीय बिजली का उत्पादन क्या होता है भारत में सबसे अधिक होता है, जो सबसे 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 ज़्यादा तापीय बिजली का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 26, जब स्वतंत्रता के माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब माउंटबेटन की स्वतंत्रता योजना को स्वीकार की गई थी? आचार्य जेबी कृपलानी। और 1900 जब स्वतंत्र ये 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के क्या बने थे? प्रथम जनरल गवर्नर बने थे। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष का होना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है? यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साधन ही उद्देश्यों का क्या बनाता है? औचित्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिहा नहीं बल्कि मन है? ये भी किसके द्वारा कहा गया था? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो उद्देशिका में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो परिवर्तन किया गया था, ये कौन से संविधान? 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। संसद के किसी भी सदन में दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो संसद के किसी भी दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और संसद का जो भारत में एक वर्ष में 3 सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और भारत की जो संसदीय प्रणाली है, ये भी पूछा जाता है किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, ये किसके मंदिर हैं? तो ये किसके मंदिर हैं? हिंदू है, बौद्ध है और जैन है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ एलोरा में जो कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? 34 है, जिनमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध के लिए है। टोटल कितनी गुफाएं हैं यहाँ पे? 34 है, 1 से जो 12 है वो किसके लिए है? बौद्ध के लिए है, 1 से 12 बौद्ध के लिए है। और जो 13 से 29 तक है, 13 से 29 ये किसके लिए है? ये हिंदू के लिए है। और ये 30 से लेकर 34 तक है, ये किसके लिए है? ये जैन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? जो अकबर के जो दरबार में जो तानसेन थे, इनके नवरत्न में से एक से, इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनका अकबर के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता है? हम लोग जानते हैं कौन सा है? 1935, ऑप्शन नंबर ए।
महाबलीपुरम के सात भगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित काल की साक्षी है? तो जो महापुरुष क्वेश्चन नंबर है 35, क्वेश्चन नंबर है 35, महाबलीपुरम के सात पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है? ये किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है? ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों के द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। और ये लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय भी था। प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए तो कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध थे ये किस वंश से संबंधित थे? ये शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध को क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। और ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और ये शाक्य कुल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें मिलेगी किसको? तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके और जो 23.5 डिग्री साउथ के बीच में रहेगा उसी को सूर्य की किरणें पड़ेगी। तो उससे बाहर कौन चला जाता है? तो श्रीनगर चला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इसको क्या है? इसको कभी भी सूर्य की सीधे किरणें नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो भारत की जनसंख्या में जो ऋणात्मक वृद्धि 1911 से 1921 के बीच में दर्ज की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 बी। अगर भारत में जनगणना पूछा जाए, भारत में जो पहला जनगणना किसके सर्वप्रथम किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। कौन कराया था? लॉर्ड मेयो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नियमित जनगणना किसके समय से स्टार्ट हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हुआ, ये 1881। इस समय से हमेशा 10-10 वर्ष के अंतराल पे होता रहता है, ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक और नवीकरणीय है? तो कौन सा साधन जो है अजैव और नवीकरणीय है? तो कौन सा? यह जल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानीपत आता है, रोहतक आता है और खुर्जा आता है। कौन नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी, मथुरा इसमें नहीं आता है। न, न, 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा है। और ये नुरोबी है, ये किसका राजधानी है? केन्या की राजधानी कहाँ है? नुरोबा है। लुस्का किसका राजधानी है? ये तंजानिया की राजधानी है, सॉरी जाम्बिया की राजधानी है। तंजानिया का है डोडोमा। और ये जो कांपला है ये किसका राजधानी है? युगांडा की राजधानी है। किसका राजधानी है? युगांडा की राजधानी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44,
अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वेस्ट बंगाल की, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ये जो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप बनाए जाते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किस आमतौर पर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आतंकवाद से जो पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियन किसने जीता? ये किसके किसके द्वारा जीता गया था? ये भारत के द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 48, मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? ये किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? ये ऑप्शन नंबर सी, डेनिस पाले सुलिवन को। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, पंचायती राज किसमें सम्मिलित किया गया है? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर, ये राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है, और ये सातवीं अनुसूची, ये इसको पंचायती राज को किस संविधान के सातवीं अनुसूची में रखा गया है। और भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जो बिहार सरकार है वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को 11 नवंबर को शिक्षा दिवस, अब्दुल कलाम आजाद को जो है, ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वायुमंडल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो जो पीबीसी है ये थर्मोसेटिंग है, ये क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर 20 में क्या है, गलत है। नायलॉन जो है थर्मोप्लास्टिक है, सही है, फिलोन जो है, ये बाकी सब ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 53, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। पेट्रोल से जो आग लगता है उसमें जल से हम लोग नहीं बुझाते हैं, क्यों नहीं बुझाते हैं? क्योंकि जो जल और पेट्रोल एक दूसरे को में क्या है, अमिश्रित है, और पेट्रोल ऊपर तैरते रहता है, तो ये जल से नहीं बुझाया जाता है। किसके द्वारा बुझाया जाता है? ये बालू के द्वारा बुझाया जाता है, पानी के, बालू के द्वारा या मिट्टी के द्वारा साधारणतः इसका प्रयोग किया जाता है, और जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैसों का प्रयोग किया जाता है। गैस में जो है हाइड्रोजन के जगह पे हीलियम गैसों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अदरा है, इनफ्लेबल है। यह हाइड्रोजन क्या होता है? हल्का गैस होता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी 55, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मणिकर्णिका या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? मणिकर्णिका और रूबी जो है ये किसके ऑक्साइड हैं? तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, एक फोटो सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, स्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो स्टोकिनलिका है जो मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो ये कान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता? अगर मानो कि मनुष्य का अगर एक ही हाथ आँख होता तो क्या होता? इसमें दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देती, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60, रुधिर संकंदन में मदद करने वाला है, रुधिर के स्कंदन में कौन सा मदद करता है? विटामिन के क्या है जो रुधिर का क्या बनाता है? क्लोथ बनाता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो कौन सा इसमें सही मेल है 61 का? तो इसका हाइपरटेंशन से क्या होता है? दिल का दौरा आता, ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के लिए कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 63, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, एक वायरस जो है एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, किसका होता है? तो ये एक सूची आरएनए का होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एच टेलर एवं लियो सिंग योंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने का सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 66, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। जो पदार्थ जल के संदर्भ में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? जलरागी कोलाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जलरागी कोलाइड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें होती है, क्या होती है? गामा किरण
रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण है, किरण है। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं, एक अणु ग्लूकोज के अगर पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना प्राप्त होता है, तो 38 अणु एटीपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी आयोडीन का मुख्य स्रोत है। सामान्यतः 1 बरस से 3 बरस तक के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, स्क्वाइडियस रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, जो जड़ों द्वारा जो अवशोषित जो जल होता है ये शीर्ष तक किसके द्वारा पहुंचता है, तो ये दारू दारू द्वारा पहुंचता है, दारू का ही दूसरा नाम क्या है, जाइलम। दारू का ही दूसरा नाम क्या है, जाइलम। ये जाइलम के द्वारा क्या है, जो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल हो शीर्ष तक पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा जो पत्तियों से बना हुआ भोजन है वो पौधे के सभी भागों में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित तो जैविकी की शाखा को कहते हैं, जो कोशिकाओं के जो अध्ययन है उसके हम लोग अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्या, कार्बन डाई ऑक्साइड जल में घुल कर कौन सा अम्ल बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जल में घुल कर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बाइड बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका हम लोग आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 3 का प्रयोग कर देंगे, इसको रिवीजन करें, इससे पहले वाला जो टेस्ट सीरीज है इसको वीडियो एक पहले वाला इसको वीडियो में डाला गया था, जो नहीं देखे उसको देखें, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।